अतिथि देवो भवा, साधु भगवान का रूप है, गुरु भगवान का रूप है। ये घर पर आए ना, बस न्यूट्रल हो जाओ, कुछ रखो ही मत दिमाग में। साधु आए, गुरु आए, कोई बुद्ध पुरुष आए, तुम माँ पिता के सामने भी जाओ ना, न्यूट्रल हो जाओ। शायद तुम्हें हमारी बात सुनकर समझ में ना आए, न्यूट्रल का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा सभ्य, बहुत ज्यादा सुसंस्कारवान, बहुत कुछ बनने की तुम्हें जरूरत नहीं। इन दो तीन घर को तुम जाओ ना, एकदम फ्री, अबोध, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु बनकर जाओ, ज्ञानी मत बनकर जाओ। ज्ञानी बनकर जाओगे घाटा खाओगे, सूप नखा गई नाक कान कटवा कर आई। ज्ञानी मत बनकर जाओ, अबोध बालक, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे अबोध बालक जाओ बनकर। साधु पधारे, आओ पधारो भगवान, विराजो, विराजमान करवाया, प्रसाद पवाया, और जैसे ही पवाया तो बच्चे फिर आए, मां आज तो कुछ बनाना, क्या बोले। लेकिन महात्मा एक जुगत बता दे, साधु जिंदगी में आता है ना, संत आते हैं तो बसंत आती है यार, संत का आना बसंत का आना। संत है काल नेमी नहीं, संत, संत वो, आप पूछोगे महाराज आजकल के संत तो डॉट डॉट डॉट, उनकी छोड़ो, वो संत नहीं है। संत वित्त का हरण नहीं करता, संत तो चित्त का हरण करता है यार। विद्या नहीं पैसा, वो इसका हरण नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। संत तो चित्त का हरण करता, तुम्हारा दिल चुराता और राम से जोड़ता, पागलो। वो इसका खेल है साहब, संत इसका खेल नहीं है, गुरु इसका खेल नहीं है। गुरु वित्त हरण करे, गुरु है ही नहीं। संत इसका हरण करे, संत है ही नहीं। संत तो इसका हरण करता, तुम्हारा दिल चुराता, दिल चुराकर हनुमान के चरणों में लगाता, पागल। ये पहचान है, संत हृदय नवनीत समाना। रामायण में कहा संतों का हृदय एकदम कोमल, नम्र, विनम्र, सरल, सहज, सौम्य, सुंदर। जिनके पास जाकर मन गदगद हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, आह्लादत हो जाए, चित्त वृत्ति शांत हो जाए, पूरी प्रसन्न। संत का मतलब जिसके पास जाकर सभी समस्याओं का अंत हो जाए।